गाय के गोबर न एमे देबै चावल के आटा आई पर लिखबै ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, प्रणाम, आदाब। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोगों को बताते चले कि छठ पर्व शुरू हो चुका है और आज पहला दिन यानी कि खरना का दिन है और आज से छठ पर्व आरंभ हो जाता है। और खरना के दिन हम लोग के यहाँ घाट बनाया जाता है जहाँ पे छठ मैया का अर्घ चढ़ाया जाता है। उस जगह को साफ सुथरा किया जाता है और उस जगह पे घाट बनाया जाता है जहाँ पे उनका अर्घ रखा जाता है। तो हम अभी तैयार हो चुके हैं और वहाँ जाने के लिए पूरा सज्ज हो गए हैं। वो देखिए आप, साइकिल पे कुदाल रखा हुआ है, कुछ लोग गए हैं और मैं भी जा रहा हूँ अब। ठीक है, मिलते हैं आपको वहीं पे घाट पे। मैं अभी अपने घाट पे पहुँच चुका हूँ, सामने मेरा घाट है। आप देख सकते हैं कितने लोग घाट की सफाई कर रहे हैं। और घाट की सफाई में पूरे गांव के लोगों का इतना अहम योगदान होता है कि आप लोग देख सकते हैं पूरे गांव के लोग एक साथ एकजुट होकर घाट की सफाई करते हैं। यहाँ पे सामाजिकता, एकता का असर दिखता है। एकता में वो ताकत होता है इतने बड़े घाटों को एक दिन में साफ करके उसे वहाँ अर्घ देने लायक बना देना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी इतने मुश्किल काम को एकजुटता के साथ, सामाजिक एकता के साथ इतनी आसानी से कर लिया जाता है जिसके बारे में बताना भी थोड़ा कठिन है। आप लोग देख सकते हैं हर एक परिवार से दो तीन जन आए हुए हैं और पूरे घाट की सफाई हो रही है। हमारा जो ये घाट है, आप देख सकते हैं कि जेसीबी से जो बहुत ज़्यादा घास फूस उपज गया है उसको जेसीबी से साफ किया जा रहा है। घाट को ऊंचा करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि घाट की मिट्टी प्रत्येक वर्ष पानी के कारण अंदर नदी पोखर में चली जाती है। इसके लिए घाट पे मिट्टी डाल के उसको ऊंचा करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग मिट्टी यहाँ से खन के और वहाँ घाट पे डालेंगे। पूरे बिहार में, यूपी में और झारखंड में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का हर्षोल्लास भी एक बिहारी को ही समझ में आता है कि वो छठी मैया का ठकुआ, वो खजरी, वो भुसबा कितना अच्छा लगता है। यह तीन दिन का सफ़र इतना सुहाना लगता है, इतना हर्षोल्लास उल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं जिसके बारे में कहना भी कठिन है। पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं हम बिहारी इस पर्व का और घर आने का हम लोगों का यह एक बहाना भी होता है। ये मेरा घाट है। जी गाय के गोबर न एमे देबै चावल के आटा आइ पर लिखबै ओम सूर्याय नमः। चूना लगे है किलो है चावल के आटा केला लगे चूना लगे जे चूना चूना गड़बड़ हो जात। चूना नै होय छै कि चावल के आटा कहीं मिले चावल के आटा उजरे है इना कहीं यहां से यहां तक बांध भी बना कर आ सब पर लिख दी है एकरा चावल को से घेर अब तनी चूना एक किलो हमर छै मैं कर जाई जैसा कि अभी घाट बना के मैं वापस जा रहा हूँ, आप मेरे कंधे पे फावड़ा देख सकते हैं। घाट बन चुका है
और अब मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद फिर बाजार जाना है, बाजार से छठी मैया का कुछ सामान रह गया उसको लाना है, उसको लाने के बाद फिर नहा धो के और जो भी काम होगा उसको देखना है। ठकुआ और भुसवा के लिए आटा पिसाने के लिए मैं दे आया था, अब वही आटा पिस गया होगा, वही लाने जा रहा हूँ।